तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका भाई ऑलराउंडर मुन्ना आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे बिहार पुलिस मद निषेध डायल 112 या कांस्टेबल या ड्राइवर जो भी न्यू वैकेंसी आने वाली है, चाहे मद निषेध अभी एग्जाम होने वाली है 14 मई को, इन सभी में सवाल किस चैप्टर से, किस विषय के किस चैप्टर से कितना नंबर का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यह वीडियो लंबा हो सकता है, यदि आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को तो आपको पूर्ण रूप से समझ आएगा। और मैं गारंटी देता हूं, दावे के साथ बोलता हूं कि इस चैप्टर को, इस सिलेबस को यदि फोकस कर ले रहा है, इस पर ध्यान दे रहा है, तो आपका पक्का रिजल्ट होगा। नहीं होगा तो बोलिएगा कि मुन्ना भाई क्या बोल रहा था। जिस तरह हम तैयारी किए थे, बड़े बड़े कोचिंग में भी इसी सिलेबस से तैयारी कराया जाता है बिहार पुलिस में, या मद निषेध हो या डायल 112 हो या ड्राइवर हो या कॉन्स्टेबल पद को। तो सबसे पहले यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले और सही सटीक जानकारी मिले। तो आइए मैं बात करूंगा सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत किया हूं इस वीडियो को बनाने में। ताइए मैं बात करूंगा बिहार पुलिस सिलेबस मद निषेध डायल 112 बिहार सिपाही या ड्राइवर, जितने भी बिहार में कांस्टेबल पद के पुलिस पद के बहाली होते हैं इसी सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है। ताइए मैं बात करूंगा हिंदी के बारे में। हिंदी आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए तेजी में बता दे रहे हैं, आप सभी को समझ जाइएगा। स्क्रीनशॉट भी खींच ले सकते हैं और देख सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो आपका एक ध्वनि का क्वेश्चन आता है, एक बुक रचना का आता है, रचना का हिंदी ले लीजिएगा बस, उस चैप्टर में सिलेबस में देखिएगा ये सब मिल जाएगा, ठीक है। टिक लगा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, गारंटी के साथ रिजल्ट होगा। ध्वनि का क्वेश्चन, शब्द एवं पद, संज्ञा, लिंग, वाचक, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात, वाक्य रचना, शब्द रचना और समास, संधि। इतना यदि पढ़ लेते हैं तो 7 नंबर सियोर, कंठस्थ। आइए मैं बात करूंगा इंग्लिश में। इंग्लिश में 7 नंबर का प्रश्न पूछता है, ठीक है। नंबर, जेंडर, सैनोस्टी एंड एंथिनोमस, स्पेलिंग, पार्ट ऑफ एसिड, सब्जेक्ट, कॉमन इरस, टेंस। यदि इतना फोकस कर ले रहा है इंग्लिश में तो 7 नंबर का प्रश्न हो। आइए बात करेंगे मैथ में। मैथ में यानी गणित में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप इस मैथ को आप ले लीजिएगा आरएस अग्रवाल का बुक, आरएस अग्रवाल का बुक ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा। संख्या पंक्ति, प्रमेय संख्या, संख्या रेखा, करणी, घातक एवं लघु कोण, बहुपद का महत्तम समावर्तक, द्वितीय समीकरण, अंकगणित। अंकगणित से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रतिशत, लाभ एवं हानि, शेयर, लाभांश, चक्रवृद्धि ब्याज। इस चैप्टर में जो 8वां नंबर पर क्वेश्चन देख रहे हैं सबसे अधिकांश क्वेश्चन इसी से रहता है, ठीक है। आइए बात करेंगे क्षेत्रमिति, संख्या की त्रिभुज समरूपता। यह थी आपका मैथ का क्वेश्चन। इतना चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपका कंठस्थ, आपका एग्जाम निकलेगा 110%। आइए बात करेंगे इतिहास।
इतिहास में बात करेंगे या 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा है इतिहास से, तो आप लुसेंट का बुक खोलिए और सिलेबस में जाइए, विषय सूची उसमें जाके टिक मारिए, यही क्वेश्चन मिलेगा, हू बहु रहेगा। तो ये बात करेंगे प्रागैतिहासिक कालीन जीवन, प्राचीन भारत सभ्यता एवं संस्कृति, मध्यकालीन भारत, भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, सन 1857 ईस्वी क्रांति। सबसे क्वेश्चन ज्यादा रहता है भाई, देख लो भाई, 19वीं सदी में भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, अच्छा क्वेश्चन रहता है, रूस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्र संघ, द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ। आइए और बात करेंगे, तो आइए बात करेंगे भूगोल में, यह 13 नंबर का यानी 13 प्रश्न होता है 13 नंबर का, तो क्वेश्चन का आंसर आता है भूगोल में भौतिक भूगोल, प्राकृति संसाधन, प्राकृति संसाधन, ठीक है, और भारत का भूगोल संसाधन और आर्थिक विकास। भूगोल में 4 चैप्टर से क्वेश्चन यदि पढ़ ले रहे हैं बढ़िया कंठस्थ से, 13 नंबर का अपना क्वेश्चन बन जाएगा। और बात करेंगे नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र में 12 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, समाज एवं नागरिक से, नागरिक एवं स्थानीय से, भारतीय संविधान से, भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं, भारत और विश्व शांति। यदि इतना पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र में तो 12 नंबर का तो क्वेश्चन सियोर सॉल्व कीजिएगा। आइए बात करेंगे भौतिकी में, भौतिकी किस नंबर कितना पूछता है तो 15 नंबर का, 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो कौन सा चैप्टर से, तो गति से, बल एवं ऊर्जा, त्राण, उष्मा, प्रकाश, विद्युत और चुंबकत्व और ब्रह्मांड। यदि इतना चैप्टर से कंठस्थ अगर पढ़ रहे हैं तो 15 नंबर का क्वेश्चन। आइए बात करेंगे रसायन विज्ञान में, रसायन विज्ञान में 12 प्लस यानी 12 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति, परमाणु की संरचना, ऑक्सीकरण, रासायनिक बंध, रासायनिक अभिक्रिया, ईंधन, धातु और अधातु, कार्बन है उसके यौगिक, विलयन। इतना क्वेश्चन यदि पढ़ रहे हैं तो 12 नंबर का कंठस्थ बनाइएगा, ठीक है। तो ये बात करेंगे आप जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान में आपको 12 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो 12 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा जीवन के ढंग से, चैप्टर जीवन के ढंग से, संजीव जगत में जैव व्यवस्था, जैव प्रक्रियाएं, भोजन उत्पादन है, भोजन, स्वास्थ्य, मानव और इनका पर्यावरण, जीवन मंडल। और करंट से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो इन सभी आप जाने इस वीडियो में चैप्टर में कि किस चैप्टर से, तो भैया आप लुसेंट उठाइए और विषय सूची में देखिए कि भौतिकी रसायन विज्ञान में कि भौतिकी में एक चैप्टर कहाँ है, और सिलेबस को टिक आइए और बढ़िया से सब्जेक्टिव पढ़िए लुसेंट का और ऑब्जेक्टिव जाकर बनाइए, कंठस्थ निकलेगा आपका, गारंटी दे रहा हूं। बिहार पुलिस में कोई भी हो, उत्पाद पुलिस हो, डायल 112 हो, ड्राइवर हो, सिपाही हो, आपका रिजल्ट सियोर होगा। तो हम जैसे पढ़ाई किए हैं बड़े बड़े कोचिंग में, इसी आधार से पढ़ाई होता है, आप लोग भी तैयारी कीजिए,
ऐसा ही जो बताया हूं उसी तरह 100% रिजल्ट होगा। ठीक है मेरे भाई, इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत हुआ है। ठीक है मेरे भाई, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।